उत्तर प्रदेश में इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ डिपार्टमेंट वाइज यानी कि विभागवार अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं, उन विभागों से रिपोर्ट मांग रहे हैं जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी होती है। और चाहे भूमि विवाद हो या फिर बिजली कटौती या फिर सड़कों पर मौजूद गड्ढे, इन सभी को दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी ने डेडलाइन तय कर दी है। दरअसल सीएम योगी ने जमीन विवाद में 48 घंटे का वक्त तय किया है कि इसके अंदर ही विवाद का निपटारा होना चाहिए। वहीं राजस्व, तहसील और कलेक्ट्रेट की भी जमीनी विवाद में जिम्मेदारी तय कर दी गई है। वहीं बिजली कटौती के मसले पर सीएम योगी ने कहा कि जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले और लोकल फॉल्ट के नाम पर बिजली कटौती ना हो, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। गड्ढा मुक्त सड़क को लेकर भी सीएम योगी ने आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए और ये काम दिवाली से पहले हो जाना चाहिए। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर अब सभी विभागों पर है जिससे जनता को परेशानी ना हो। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में जमीन विवाद, बिजली कटौती और गड्ढा युक्त सड़कों की रिपोर्ट मांगी है और जिम्मेदारी उन अधिकारियों की तय की है जो संबंधित विभाग से ताल्लुकात रखते हैं। योगी का आदेश उस वक्त आया है जब देवरिया में एक के बाद एक 6 लाशें गिर गई। बदले की आग में ऐसा खूनी तांडव हुआ था कि बूढ़े, जवान, महिला और बच्चे, जो मिला उसको मौत के घाट उतार दिया और वो भी इसीलिए क्योंकि दोनों गुट में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी घटना के बाद सीएम योगी ने बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा, घटना होने पर अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी, जिले और तहसील की जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसीलिए विवादों के निपटारे की नियमित समीक्षा हो और अगर लापरवाही हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। देवरिया में भूमि विवाद में 6 लोगों की हत्या के बाद सीएम योगी के सख्त तेवर दिखाई दिए हैं। सीएम योगी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जमीनी विवाद में अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उसमें कलेक्ट्रेट और तहसील से जुड़े हुए राजस्व कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस के ऊपर ही गाज गिरती है। सूत्रों का ये भी कहना है कि सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जमीन की पैमाइश से संबंधित विवाद को 48 घंटे के अंदर हल करना होगा। उत्तर प्रदेश में चाहे भूमि विवाद हो या फिर बिजली कटौती, सीएम योगी खुद हर मामलों पर नजर बनाए हुए हैं और जनता की परेशानी को सुलझाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि एक बार फिर सीएम ने दिवाली से पहले विद्युत विभाग को बिजली कटौती करने पर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, लोकल फॉल्ट के नाम बिजली कटौती ना हो, बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए, कटौती होने पर जवाबदेही तय की जाए। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने दिवाली से पहले तमाम गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है और कहा है कि जो भी बची खुची सड़कें हैं उसका भी काम जल्द ही पूरा किया जाए। अफसरों को योगी की चेतावनी, यूपी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो, सड़कों के लिए धन की कमी नहीं है, दिवाली से पहले पूरा हो जाए काम, सड़क खराब हुई तो पुनर्निर्माण हो। जिसकी जो जिम्मेदारी है उस विभाग अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। दूसरा, सड़कों को आपको जियोटेक कर लेना चाहिए और तय करना चाहिए किन सड़कों को नव निर्माण के लिए आप ले रहे हैं, किनको मरम्मत के नाम पर, गड्ढा मुक्ति के नाम पर आप ले रहे हैं, ये दोनों की स्थिति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। दरअसल 2017 में सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने एक वादा यूपी की सड़कों के लिए भी किया था। तब योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में गड्ढे भरने के लिए 40 दिनों का समय दिया था, लेकिन उस समय जितने गड्ढे भरने चाहिए थे नहीं भरे गए और जिन सड़कों का निर्माण हुआ था वो फिर गड्ढों में बदल गए। लेकिन इस बार सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, साथ ही रेवेन्यू से लेकर बिजली विभाग तक की जिम्मेदारी तय कर दी है। अगर अधिकारियों ने ठीक से काम नहीं किया तो उन्हें ठीक करने की चेतावनी भी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो दूसरी तरफ देवरिया प्रकरण में सीएम योगी के आदेश के बाद लापरवाह अधिकारियों के साथ की पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। देवरिया केस में कई लापरवाह अधिकारी नप चुके हैं। राजस्व कर्मी और पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। इन सब के खिलाफ निलंबन, स्थानांतरण और विभागीय कार्रवाई हुई। एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दो तहसीलदार और तीन लेखपाल भी सस्पेंड हुए हैं। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी समेत 8 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इस एक्शन पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के अधिकारियों को कहा है, जमीन विवाद का कोई भी मामला रहेगा उसमें किसी गरीब के साथ, किसी उद्यमी के साथ, किसी की जमीन का कब्जा अगर होता है या कोई जमीन का विवाद होता है उसको तुरंत गति से निपटाए, नहीं तो तहसील से लेकर जिले के अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जमीन विवाद में अब फिर से देवरिया में जमीन विवाद में पूरा परिवार समाप्त हो गया है। एक अन्य व्यक्ति मारा गया है, बहुत से लोग उसमें नामजद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जो सिविल के मुकदमे हैं, जमीनों के मुकदमे हैं, उनका जल्द निपटारे के प्रयास करना चाहिए। केवल निर्देश देने से इन समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट्स को लेकर जो पेच फंसा था वो अब सुलझ गया है, क्योंकि इस बार शिवपाल यादव ने अजय राय को सोच समझ कर बोलने की नसीहत दी है। और नसीहत इसलिए क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है, जो अब समाजवादी पार्टी का हजम नहीं हो रहा है। और इसी को लेकर शिवपाल यादव ने अजय राय पर निशाना साधा और कहा कि अजय राय सोच कर बोले। शिवपाल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नसीहत देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के महासचिव ने कहा कि अगर ज्यादा बोलेंगे तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सीट बंटवारे पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा और ऐसे में आगे आगे बोलने की जरूरत नहीं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे सीट के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव लाल हो गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 80 को रोकने के लिए सियासत के कट्टर दुश्मन दोस्त बन गए हैं। 2017 के बाद जिनकी राहें जुदा हो गई वो एक बार फिर एक छत के नीचे आ गए, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है और वजह सीटों का बंटवारा है। क्योंकि भले ही अखिलेश यादव खुद को यूपी में गठबंधन का चेहरा बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस की भी तैयारी सभी 80 सीटों पर चल रही है, जो अब समाजवादी पार्टी को परेशान करने लगी है। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा, और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है, हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन बना है तो निर्णय तो उस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन उनका जो सोच है बदलना चाहिए। अगर नहीं बदला तो वो तो नुकसान फिर हो गई, बदल लेना चाहिए अजय राय। अजय राय ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस तो गठबंधन साथियों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल रही है, लेकिन कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल अपने फायदे के लिए वन सीट वन फेस वाले फॉर्मूले को चुनौती देती है। यानी कि बागेश्वर की परीक्षा में जब समाजवादी पार्टी पास नहीं हुई तो अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। देखिए, अब बड़ा दुर्भाग्य है कि तेहरे चरित के लोग दोहरे चरित की बात कर रहे हैं, और रही उत्तराखंड की बात तो उत्तराखंड के किसी जिम्मेदार कांग्रेसी नेता ने, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो हरीश रावत हों या और भी कोई वरिष्ठ नेता हों, किसी ने ये आरोप नहीं लगाया। और यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठ कर वो इस बात को कह रहे हैं, उनको बेसिक जानकारी संभवतः नहीं है। यानी कि मोदी योगी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल भले ही एक साथ आ गए हों, लेकिन अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ठीक से तालमेल नहीं बैठ पाया है, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 10 से कम सीटों में ही निपटाने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस यूपी में 2009 में जीती गई 21 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जबकि सपा सिर्फ 5 सीटें ही कांग्रेस को देना चाहती है। सपा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीटें चाहती है,
लेकिन अभी तक विधानसभा में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गुट की तमाम पार्टियों में खींचतान चल रही है। ऐसे में यूपी को लेकर भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर कांग्रेस एतराज जता रही है और हर सीटों पर अलग से प्लान तैयार कर रही है और इसी पर विरोध अखिलेश के बाद शिवपाल यादव ने भी जता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आधी आबादी को आरक्षण देने का कानून पास कराने के बाद बीजेपी ने अब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई है और इसकी जिम्मेदारी महिला मोर्चा को ही दी गई है, जिससे ये संदेश दिया जा सके कि महिला सिर्फ वोट देने वाली बनकर नहीं रहेंगी बल्कि अपने अधिकारों को लेकर अपनी आवाज भी उठाएंगी। और इस रणनीति के तहत बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में 18 अभियान चलाए जाएंगे, इसके जरिए घरेलू महिलाओं से भी संपर्क किया जाएगा। वहीं नए वोटर अभियान से महिलाओं को जोड़ा जाएगा और महिलाओं को उनके समूह से संपर्क साधा जाएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं के बीच जाकर बीजेपी के नेता 2014 के पहले और 2014 के बाद का फर्क भी समझाएंगे और बताएंगे कि सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर चलाई है और इसके लिए बीजेपी का प्लान तैयार हो चुका है। आपको इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं। आधी आबादी को पूरा सियासी लाभ देने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है उससे उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पहले महिला आरक्षण बिल को पास करवाना और फिर पार्टी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना उस प्लान के तहत हो रहा है जिससे 24 के रण में 40% वोट को पाले में लाया जा सके और इसी लिहाज से बीजेपी अब पूरे प्रदेश में महिला आरक्षण का संदेश देने के लिए कार्यक्रम चलाने वाली है और अब महिला आरक्षण को भी वो भुनाने में जुटी हुई है और इसके लिए महिला मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए सबसे पहले बूथ लेवल और शक्ति केंद्रों पर बैठक होगी और फिर हर विधानसभा क्षेत्र में महिला आरक्षण को लेकर बैठक की जाएगी। आधी आबादी को आरक्षण देने का कानून पास कराने के बाद बीजेपी ने अब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई है। इसके लिए आज गोरखपुर में बैठक हुई और ये तय हुआ कि बीजेपी महिला मोर्चा इसकी जिम्मेदारी निभाए और रणनीति के तहत 18 अभियान चलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और महत्वपूर्ण फैसला लिया जो नारी शक्ति है, उस नारी शक्ति की भागीदारी के लिए, और भागीदारी का जो निर्णय लिया है उस निर्णय को लेकर के पूरे देश में उत्साह है, उत्तर प्रदेश में उत्साह है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों का आज हमने यहाँ बुलाया है, उनसे चर्चा करके प्रत्येक विधानसभा में हम बड़े बड़े सम्मेलन करके महिलाओं के उनको जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया उसका वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। दरअसल बीजेपी की कोशिश ओबीसी, दलित और किसान नौजवान के साथ महिला वोट बैंक को भी मजबूत करने की है। इसके लिए अब ग्राउंड लेवल पर अभियान चलाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सीएसडीएस लोक नीति के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले। यह ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनाव में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को मिला और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। असल में बीजेपी ने जो चुनावी इंजीनियरिंग की उसमें महिला वोटों का एक बड़ा ब्लॉक तैयार कर लिया। सरकार ने अपनी योजनाओं में भी महिलाओं को तवज्जो दी और इसी का परिणाम है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक महिलाएं बीजेपी के लिए निर्णायक भूमिका में रहीं और एक बार फिर महिलाओं के लिए मोदी योगी का मास्टर स्ट्रोक 2024 के चुनावी पिच पर हिट होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए
बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कर लेते हैं, जो एक बार फिर विवादों में आए हैं और इस बार वजह उनका नया कुत्ता है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने कुत्ते का नाम नूरी रखा है, जिस पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसे मुसलमानों से जोड़ दिया है और कुत्ते का नाम नूरी रखने पर मुस्लिमों के अपमान की बात कहती है। दरअसल AIMIM के यूपी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कुत्ते के नाम को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में लाखों लड़कियों का नाम नूरी होता है और ऐसे में राहुल गांधी ने मुस्लिमों का अपमान किया है। साथ ही AIMIM प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर जानबूझकर कुत्ते का नाम नूरी रखने का आरोप भी लगाया है और कहा कि राहुल गांधी ने इस्लाम के लोगों को नीचा दिखाया क्योंकि कुत्ते का नाम नूरी रखा गया। आइए आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी के कुत्ते पर घमासान मचा हुआ है। उन्होंने अपने कुत्ते का नाम नूरी क्या रखा, अब इसी को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की AIM पार्टी के नेता को कुत्ते के नाम में धर्म नजर आ रहा है। उन्होंने नाम को सीधे सीधे इस्लाम से जोड़ दिया। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया गांधी को एक डॉगी गिफ्ट किया था, जिसे लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। राहुल ने जो डॉगी सोनिया को दिया उसका नाम नूरी रखा गया है। वहीं AIMIM के यूपी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने नूरी नाम को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस्लाम धर्म में लाखों लड़कियों का नाम नूरी है और राहुल ने मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, लड़कियों का अपमान किया है। मोहम्मद फरहान ने कहा कि नूरी का मतलब रोशनी या चमकती हुई चीज से होता है। उनके मुताबिक कोई बेटी जन्म लेने के बाद जब परिवार में खुशियों की रोशनी भर देती है तो उसका नाम नूरी रखा जाता है। अब इसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं से जो कांग्रेस पार्टी को सेकुलर पार्टी बताते हैं और मुसलमानों की हितैषी बताते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम विधायकों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम राज्यसभा सांसदों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम लोकसभा के सांसदों से मैं ये बात पूछना चाहूँगा, क्या राहुल गांधी जी का अपनी कुतिया या कुत्ते का नाम नूरी रखना उचित था? और अगर उचित नहीं है तो क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफ़ी मांगेंगे? और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस बात का हमें एहसास जरूर होगा कि मुसलमानों की हैसियत गांधी परिवार में क्या है। उन्होंने राहुल से माफी की मांग की है। दरअसल राहुल जब गोवा दौरे पर थे तो वहां से कुत्ते को लाया था। वर्ल्ड एनिमल डे पर अपनी मां सोनिया गांधी को ये डॉगी भेंट किया था। सोशल मीडिया पर राहुल और सोनिया का कुत्ते के साथ वाला वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें राहुल नूरी के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इसी कुत्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। AIMIM के नेता को कुत्ते के नाम से ऐतराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यानी जिस तरह राहुल गांधी ने अपने पेट डॉग का नाम नूरी रखा, अब उस पर बीजेपी ने निशाना साधा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ओवैसी को ही नसीहत दे दी है। आरोप प्रत्यारोप किस तरह से हो रहे हैं नूरी को लेकर, ये हम आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार फिल्मों में दर्शकों को गुदगुदाने के लिए, कुछ हास्य विनोद करने के लिए हास्य कलाकार रखे जाते हैं, उसी प्रकार से भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का स्थान है। राहुल गांधी की पहचान अपने ऊट पटांग व्यवहार के नाते से ही इस देश में बनी हुई है, ये भी उसी का एक एग्जाम्पल मात्र है। आजकल कुछ पार्टी के नेता कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं, हालांकि वो विपक्ष जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते, ना राष्ट्र के मुद्दों की बात उठाते हैं, ना किसान के मुद्दों की बात उठाते हैं, ना जनता के मुद्दों की बात उठाते हैं, वो किसी नेता के व्यक्तिगत मुद्दों की बात करते हैं। व्यक्तिगत मुद्दा उठाने का मतलब होता है कि आप अपना व्यक्तिगत फायदा देख रहे हैं, जनता का मुद्दा उठाने से बच रहे हैं, ये है उनकी असर।
चले इन दिनों जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा सियासत हो रही है उसकी चर्चा कर लेते हैं, जातीय जनगणना। जी हाँ, बिहार में जातीय जनगणना के बाद जिस तरह के नए आंकड़े सामने आए उनसे 2024 के चुनाव के समीकरण काफी हद तक बदल गए हैं। और अब तक के आंकड़े ये बताते हैं कि ओबीसी और दलित फैक्टर ही सबसे जिताऊ और सुपरहिट फैक्टर है। यूपी में अब बीजेपी इसी 22% दलित वोटर्स को लुभाने के लिए ग्राउंड पर उतर रही है, जिसकी अगुवाई खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जेपी नड्डा और सीएम योगी भी उनके साथ रहेंगे। क्या है बीजेपी का दलित प्लान, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी बड़े बड़े सियासी योद्धाओं की फौज उतारने की तैयारी में है, जिसकी प्लानिंग हो चुकी है, तो अब अंजाम की बारी है। दलितों को साधने के लिए यूपी में अमित शाह जनसभाएं करेंगे, जेपी नड्डा भी यूपी में हुंकार भरेंगे, सीएम योगी का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। यानी बीजेपी संगठन के तमाम बड़े बड़े नेता इसी महीने उत्तर प्रदेश में हुंकार भरते नजर आएंगे और संदेश पिछड़े और दलित तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी दलितों में पैठ बनाने के लिए मेगा प्लान तैयार कर चुकी है। बीजेपी इसी मेगा प्लान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में दलित सम्मेलन आयोजित करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल की मौजूदगी में ये बात भी तय की गई कि अक्टूबर में बीजेपी 6 क्षेत्रों में दलित सम्मेलन करेगी, फिर सभी जिलों में दलित सम्मेलन होंगे, लखनऊ में बड़ा दलित सम्मेलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग की तरफ ध्यान देती है और अगर आप हमारे संगठनात्मक ढांचे को देखेंगे, हम हर तबके को, हर समुदाय को उसके अंदर शामिल करते हैं, तो हमारे लिए तो कोई नई बात है नहीं। हम सब समुदायों को इकट्ठा करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं। दरअसल बीजेपी की नजर बसपा के खिसक रहे दलित वोट बैंक में सेंधमारी पर है, जिसे अपने पाले मिलाकर समाजवादी पार्टी को भी झटका दिया जा सके। यानी इसी महीने काशी, अवध, पश्चिम, ब्रज और गोरखपुर क्षेत्र में दलित सम्मेलन होंगे, जिसके लिए पिछड़े वर्ग के सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है और इस चुनावी अभियान की शुरुआत अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 2024 के चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे को लेकर मंदिर समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के मुताबिक 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम में दर्शन और रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 8 अक्टूबर को उनका बद्रीनाथ धाम में दर्शन का कार्यक्रम है, यहीं पर वो पूजा अर्चना भी करेंगे। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर को जाएंगे, जहां पर वो दर्शन करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और 8 अक्टूबर को उनका बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। दोनों ही मंदिर समितियों ने सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम सीएम योगी आदित्यनाथ अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचने वाले हैं।